धनबाद में टायर कारोबारी रंजीत साव की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात के दौरान दुकान में सीसीटीवी चालू था। इस सीसीटीवी में हत्यारों की पूरी हरकत कैद हो गई। सिंदरी रोड पर हुए इस कांड में दुकान में घुसकर नकापोश अपराधियों ने कारोबारी रंजीत को 3 गोली मार दी थी और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। वहीं इस दिल दहला देने वाले गोलीकांड के बाद कारोबारियों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। कुछ देर के लिए आम लोगों ने सड़क भी जाम किया था, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। वहीं धनबाद के डीएसपी अमर पांडे ने बताया कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस ने अपने कंधों पर लिया है। पांडे ने दावा किया कि हमलावरों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। एक दरिया बाजार क्षेत्र में एक व्यवसायी की हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर की गई है और पीड़ित परिवार के द्वारा जो है शोक संतप्त परिवार है उसके द्वारा अभी सड़क जाम किया गया है। उनके द्वारा कुछ जायज़ मांगे जिला पुलिस के समक्ष रखी गई थी और चूँकि हत्या हुई है और इस पर अब जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम लोगों के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है और अनुसंधान की जितनी भी प्रविधियां हैं, चाहे वो तकनीकी आसूचना हो या ह्यूमन इनपुट हो, सब पे काम किया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है और जितना जल्दी हो सके हम लोगों के द्वारा अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, शोक संतप्त परिवार है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जिला पुलिस लेती है और उनको अभी जो है हम लोग सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। और अभी जो सड़क जाम हुई है उसको जो आश्वासन के बाद जो जिला पुलिस का जो सकारात्मक आश्वासन है उसके पश्चात जो है जाम हटाई जा रही है। और जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि जो है अपराध कर्मियों का मनोबल बढ़ गया है, तो मेरा तमाम जिला पुलिस की तरफ से या तमाम शहरवासियों को यह अपील की जाती है और साथ ही साथ उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि ऐसा जो भी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष यदि सोचता है कि पुलिस का खौफ कम हो गया तो आत्मभ्रम की स्थिति है। ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस का जो अपराध कर्मियों के प्रति जो मोडस होता है अपराध को डिटेक्ट करने का, वो हमेशा बरकरार रहेगा और हम सभी आम जनता के सहयोग से, आम जनता के सूचना के आधार पर हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भी अपराध हैं उनका उद्भेदन करने में आज तक सफल हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। धनबाद के टायर कारोबारी की हत्या के बाद व्यापारियों में डर का माहौल कायम हो गया है। पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि कारोबारियों के मन में बैठे डर को जल्द से जल्द दूर किया जाए, साथ ही रंजीत साव की हत्या में शामिल हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।